हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर वी में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एलजी, जो कि आपको पता होगा रिलीज़ कर दिया है, लॉन्च नहीं किया है लेकिन रिलीज़ किया है, अभी ऑफिशियल हो चुका है एलजी V30, जो कि 31 अगस्त को एलजी ने रिलीज़ किया था। ऑफिशियल हो चुके हैं इसके सारे स्पेसिफिकेशंस, तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में और इसमें क्या ना है, क्योंकि पर्सनली मुझे जो है ये फोन बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इस LG V30 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो स्पेसिफिकेशंस में यहाँ सबसे पहले हमेशा की तरह बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में यहाँ आपको 6 इंच की ओलेड डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन है 2880x1440 पिक्सल्स, और प्रोटेक्शन के लिए इसमें दिया गया है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5। और आगे बात करें इसकी फिजिकल मेमोरी के बारे में, तो यहाँ आपको जो जी दो वेरिएंट्स हैं LG V30 और V30 Plus, दोनों ही जो वेरिएंट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे 4 GB रैम के साथ, और इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी 64 GB और 128 GB की, जिसे कि एक्सपैंड किया जा सकता है 2 TB तक एक्सपैंड कर सकते हैं आप इसे। माइक्रो SD कार्ड तो 2 TB का मिलता नहीं, लेकिन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव शायद कनेक्ट कर सकते होंगे आप इससे, तो एक्सपेंडेबल है। माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी है। और सिम की बात करें तो यहाँ सिम आपको शायद सिंगल सिम या डुअल सिम सपोर्ट यहाँ मिलेगा, क्योंकि ये डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट वेरिएंट लॉन्च होंगे, तो अभी इस बारे में कुछ अता पता नहीं है कि कौन से कंट्री में किस तरीके का वर्जन लॉन्च होगा। ऐसा भी हो सकता है कि रैम वेरियंट्स भी यहाँ पे आगे देखने को मिलें, क्योंकि लॉन्च अभी नहीं हुआ है, रिलीज कर दिया है। तो आगे बात करें इसकी पावर की, वजह से पावर देता है प्रोसेसर में के नाम पर आपको मिलता है यहाँ पर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 835 ऑक्टो कोर प्रोसेसर, जिसमें कि जो 4 कोर्स हैं वो क्लॉक किए गए हैं 2.45 GHz पे, और बाकी के जो 4 कोर्स हैं वो क्लॉक किए गए हैं 1.9 GHz पे। और GPU की बात करते हैं, GPU में आपको मिलता है एड्रिनो का 540। गेमिंग एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस बाकी सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। फुल मेटल बॉडी डिजाइन देखने को मिलता है यहाँ आपको। NFC सपोर्ट मिलता है, ब्लूटूथ मिलता है, ब्लूटूथ 5.0, HTML5 का सपोर्ट है। 4G तो ऑब्वियसली हो गई, कोई डिवाइस 3G तो लॉन्च होता ही नहीं है। तो यहाँ जो LG V30 की मेन हाईलाइट है वो है इसका कैमरा सेटअप, यानी रियर में आपको मिलता है डुअल कैमरा सेटअप। डुअल कैमरा सेटअप में जो पहला प्राइमरी कैमरा है वो आपको मिलता है 16 MP का, जिसका अपर्चर है f/1.6 का। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है, लेजर और फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस भी है। और दूसरे कैमरा जो आपको डुअल कैमरा सेटअप में मिलता है वो मिलता है 13 MP का f/1.9 अपर्चर का कैमरा, जिसमें कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन तो आपको देखने को नहीं मिलती है, ना ही ऑटो फोकस देखने को मिलता है, लेकिन ये जो कैमरा है वो है वाइड एंगल व्यू, जहाँ यानी कि 120 डिग्रीज का वाइड एंगल व्यू यहाँ इस कैमरा में आपको देखने को मिलता है। जो प्राइमरी कैमरा, जो पहला कैमरा है वो आपको व्यू देता है अप्रोक्स शायद 70 डिग्रीज का कैमरा। फ्रंट में आपको मिलता है 5 MP का कैमरा, जिसका अपर्चर है f/2.2 का। सेंसर साइज की बात करें तो यहाँ आपको मिलता है 1/5 इंचेस का सेंसर साइज फ्रंट कैमरा में, और 1.12 माइक्रोमीटर का पिक्सल साइज भी देखने को मिलता है। सेंसर्स की बात करें तो यहाँ आपको पीछे बैक में देखने को मिलता है एक फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ ही साथ एक्सेलेरोमीटर सेंसर है, जायरो सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, कंपास है, कलर स्पेक्ट्रम है, मैसेजिंग के लिए SMS, MMS, ईमेल्स वगैरह हैं, पुश मेल्स IM, ब्राउज़र के लिए HTML5 वो मैंने आपको बता ही दिया, जावा इसमें सपोर्ट नहीं है। साथ ही साथ बैटरी की बात करते हैं, आपको बैटरी मिलती है नॉन रिमूवेबल लिथियम पॉलीमर 3300 mAh की बैटरी, जो कि सेम आपको देखने को मिलती है Note 8 में, लेकिन वो है लिथियम आयन बैटरी, लेकिन LG में देखने को मिलती है लिथियम पॉलीमर। साथ ही बात करें इसके और फीचर्स के बारे में, तो यहाँ आपको मिलता है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, यानी कि आप 50% जो फ़ोन है वो चार्ज हो जाएगा 36 मिनट्स में, यानी अप्रॉक्स आधे घंटे में आधा फ़ोन चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये सपोर्ट करता है क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 को। साथ ही साथ वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ कलर वेरिएंट्स की बात करें तो कौन कौन से कलर वेरिएंट्स में ये जो V30 है वो लॉन्च होगा, तो कलर वेरिएंट्स यहाँ पर हैं ऑरोरा ब्लैक, क्लाउड सिल्वर, मोरोकन ब्लू और लेवेंडर वॉयलेट। तो यहाँ बात करें सॉफ्टवेयर की, तो ये रन करेगा Android 7.1.2 नोगट पर, जिसमें होगा LG US का 6.0, अपना ही खुद का एक कस्टमाइजेबल UI। कलर वेरिएंट्स मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें, फ़ोन कितना ड्यूरेबल होने वाला था, यहाँ आपको मिलता है IP68 रेटिंग, यानी ये वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट होने वाला है बिल्कुल Note 8, S8, S8 Plus की तरह। और मिलिट्री स्टैंडर्ड 810G का भी सर्टिफिकेशन इस फ़ोन में आपको देखने मिलता है, यानी फ़ोन जो है आप रफ हैंडलिंग इसकी कर सकते हैं, काफ़ी हद तक आपके वियर एंड टीयर को ये झेल लेगा, रगेड फ़ोन होने वाला है।
डायमेंशन क्या और वेट की बात करते हैं, यहाँ आपको मिलता है 151.7 × 75.5 × 7.3 mm की डायमेंशन, यानी जो 515.7 mm लंबाई है इसकी, 75.4 mm की इसकी चौड़ाई है, और मोटाई की बात करें तो वो है 7.3 mm की, और वेट की बात करते हैं लगभग 150 ग्राम, यानी 158 ग्राम्स का वेट है इसका, जो कि नोट 8 से काफ़ी हल्का है। पर्सनली बात करें तो ये जो फ़ोन है इसकी प्राइस रेंज भी काफ़ी अफोर्डेबल है, यानी ये जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन है जिस फीचर्स के साथ यहाँ इसे लॉन्च किया जाएगा, जो कि बताया जा रहा है कि होगा लगभग 900 यूरोस का, इंडिया में तो लॉन्च हुआ नहीं, इंडिया में शायद एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये हो शायद लॉन्च 45 to 50 thousand की रेंज में, जो कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन में काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज होगी, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होगा। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए सारे स्पेसिफिकेशंस की बात, तो स्पेसिफिकेशंस मेरे हिसाब से जो प्राइस रेंज लगभग शायद एक्सपेक्ट किया जा रहा है 45 to 50 thousand की रेंज में ये इंडिया में शायद लॉन्च हो, अगर इस प्राइस रेंज में ये लॉन्च होता है तो शायद LG जो है इंडिया में कुछ अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से अपने डिवाइसेस को बेच पाएगा, क्योंकि LG जो है इंडिया में कोई ज़्यादा इतना प्रेफर नहीं करता है, शायद इस फ़ोन को प्रेफर किया जाए, क्योंकि नोट 8 के ऊपर इसे प्रेफर करना मेरे हिसाब से बेटर होगा, क्योंकि डुअल कैमरा सेटअप यहाँ पे आपको नोट 8 से अच्छा मिलता है, बैटरी बैकअप जो है वो आपको बिल्कुल नोट 8 के बराबर मिलता है, यानी 3300 mAh की बैटरी। लेकिन स्क्रीन साइज़ की बात करें तो यहाँ आपको जो नोट 8 है वो मिलता है बड़ी स्क्रीन साइज़ पे, और LG जो है वो है 6 इंचेस का साइज़ वाला फ़ोन, तो ऐसे में जो है दोनों बैटरीज की बात करें तो यहाँ पर जो है बैटरी LG V30 में ज़्यादा चलने वाली है, और साथ ही साथ प्राइस रेंज भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों की प्राइस रेंज में। तो अब देखने वाली बात यह है कि LG इंडिया में देखते हैं क्या धमाल करता है, आप मुझसे अपने कमेंट शेयर कीजिए, अपने व्यू शेयर कीजिए कि आपको क्या लगता है LG V30 के बारे में, आपको ये फ़ोन कितना पसंद आया, कितना आपको लगता है नोट 8 के कंपैरिजन में ये अच्छा है, क्योंकि मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लगता है, नोट 8 के साथ बहुत ज़्यादा टक्कर देगा मेरे हिसाब से मार्केट में, और आप भी बताइए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। और तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतनी, अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आए तो कर दीजिए डिसलाइक, और इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे टेक वीडियोज लेके आता रहा, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और ख्याल रखिए अपना।